भाई ये पूरा मज्जा से सोया हुआ है, ना पता उठेगा कि नहीं उठेगा। तुम भी फैला दे भाई, फैला दे। अरे गज्जब। तो इंदौर के जू को सफर से पहले स्माइल, तो चलते हैं इंदौर जू के सफर पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि मैं अभी मिनी मुंबई इंदौर में हूँ और मैं इंदौर के जू को आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो आओ मेरे साथ सैर करो कहाँ के, मिनी मुंबई इंदौर की जू का। तो दोस्तों इस इंदौर के जू में आपको टिकट है 20 रुपया मात्र, लेकिन देखो मेरे पीछे क्या है, पंछी घर। चिड़ियों को देखने के लिए अलग से 30 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप उस चिड़ियों वाले घर में जा कर देख सकते हैं। मैं वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, मेरे पास टाइम कम है और मुझे इंदौर जू को पूरा एक्सप्लोर करना है। तो भाई चलता हूँ, मैं देखता हूँ क्या क्या मिलता है मुझे इस इंदौर जू में। फनी मिरर है, फनी मिरर आइए। और इसे मुझे पहाड़ टाइप का एक दिख रहा है, इसके पीछे क्या है मैं देखता हूँ जाकर। भाई 2 साल के ऊपर के लिए इसमें टिकट लग रहा है। जो पहाड़ नुमा था वो स्नेक हाउस था, उसका टिकट यहाँ पर मिलेगा मात्र 5 रुपया का है, क्योंकि एंट्री 20 रुपया है। बर्ड देखने के लिए 30 रुपया, सांप देखने के लिए 5 रुपया। अब देखते हैं और आगे क्या टाइम मिलता है, मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम कम है, बस मुझे एक्सप्लोर कर देना है कि जू में क्या क्या है। अभी तक क्या मिला, मुझे चिड़िया वाला घर मिला 30 रुपया मांग रहा है, सांप वाला घर मिला 5 रुपया मांग रहा है। मैं ट्रेन खोज रहा हूँ जिससे मैं पूरा जू घूम लूँ, अभी तक वो ट्रेन मुझे नहीं मिला है, और देखता हूँ कहाँ पर मिलता है वो ट्रेन मुझे। अरे ये देखिए, ये सांप वाला घर का ही बना हुआ है, ये सब जो है सांप वाला घर का ही बना हुआ है। भाई यहाँ पर मुझे क्रोकोडाइल मिल गया है, तो मैं उसे देखता हूँ, मेरे साथ आ जाओ। एलिगेटर है कि क्रोकोडाइल है, ये कुछ एलिगेटर है ऐसे ही। ओ सेड, ओ बड़ा पे छोटा, कोई रिस्पॉन्स नहीं है सबका, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। और मुझे यहाँ बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिला है, वाइट पीकॉक। भाई बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये वाइट पीकॉक मुझे। सांबर हिरन जो बोलते हैं मुझे दिख रहा है, चीतल है ये तो, हिरन सांबर चीतल डी है। तो ये छोटा वाला हिरन बहुत सुंदर लग रहा है, क्या खूबसूरत लग रहा है ये छोटा वाला हिरन। मैंने इसे रामायण में देखा था, उसके बाद अभी देख रहा हूँ, वो भी ग्राफिक्स यूज किया गया था रामायण में। मैं गया था क्रोकोडाइल देखने, मुझे एलिगेटर दिख गया, अब मुझे क्रोकोडाइल दिखा है, ये देखो। हेलो सोया है वो, ये तो, अरे वो देखिए वो कैसे देख रहा है,
जिंदा है ये मरा हुआ है इसका डेंजर लग रहा है भाई यहाँ पे जल्दी से। और मुझे यहाँ पे ब्लैक स्वान दिखा जिसको क्या राजहंस बोलते हैं और वाइट स्वान भी है, दोनों क्या राजहंस ही है भाई, ब्लैक है वाइट है। मैं लाइफ में पहली बार ब्लैक हंस देख रहा हूँ। हेलो भाई मुझे यहाँ पे हिप्पोपोटामस दिखा, ये मुझे कानपुर जू में बढ़िया से नहीं दिखा था क्योंकि पानी के अंदर चला गया था। यहाँ पे देखो पूरा कितना मस्त है, छोटा बच्चा और एक बड़ा है, क्या खूबसूरत लग रहा है दोनों। का इंतजार था वो मिल गया बाघ टाइगर। अरे दो दो, एक वहाँ सोया हुआ एक बैठा हुआ, एक जूम 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 जूम, क्या कर रहा है ये दोनों, सोया हुआ है और एक नीचे सोया हुआ है। ओ एक बार धार मार दे भाई, ये कुछ और पोज कर रहा है, छोड़िए टेस्ट मार रहा है। इंदौर के जो मैं एक सेल्फी स्पॉट है मैं वो दिखाता हूँ, पेड़ के ऊपर है सेल्फी स्पॉट, देखते हैं कैसा है। सेल्फी स्पॉट हाँ शेयर दिखाऊंगा आ जाता है भाई। ये इंदौर जो में सेल्फी स्पॉट है, पेड़ के ऊपर बना हुआ है वॉच टावर जैसा, इस पे आओ फोटो सेल्फी जो ले सकते हो तुम, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। इधर से बाघ है तुम्हारा, बाघ टाइगर, टाइगर के साथ सेल्फी लेना है तो यहाँ से ले सकते हो। और मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, मैं एक सेल्फी लेता हूँ, देखो सेल्फी को मेरा मोबाइल कौन से जैसे सेल्फी ले सकते हो, पेड़ के साथ सेल्फी ले सकते हो। अच्छा स्पॉट है ये सेल्फी लेने के लिए, हमें जो घूमता हूँ और क्या क्या मिलता हूँ मुझे देखते हूँ। इंदौर जो का फूड कोर्ट है यहाँ पे ए टू जेड मिलेगा, पाव भाजी से लेकर बर्गर समोसा सब चीज़ मिल जाएगा, चाटूट है वैरायटी का। और यहाँ पे फूड गैलरी है कुछ, यहाँ पे कुछ अगर टॉय वाय कोई भी घर में छोटा बच्चा है जो अंदर नहीं जाने दे रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो भाई उसके लिए। और मुझे जो बेसब्री से इंतजार है मैं उसे देखने जा रहा हूँ, किसका, लायन द किंग ऑफ जंगल। बाप रे बाप कितना है यहाँ पे, और ये शेर बच्चा शेर का, द लायन किंग का मूवी का फीलिंग आ रहा है। जो तेंदुआ दिख गया मैं उसे जा रहा हूँ देखने, खा जाओ अरे बहुत ही सेफ्टी में रखा है यहाँ पे, कानपुर वाले में तो अच्छा से दिखा पा रहा था यहाँ पे, नहीं तो गिर गया तेंदुआ बोल के भाई, खाल पिंजरा दिखा दिया ये तो। कानपुर में तो बढ़िया दिख रहा था, यहाँ पे खोजना पड़ रहा है बैठा हुआ इस साइड, इस साइड दो दो साइड, इस पर ध्यान से दिख रहा है।
और मुझे यहाँ पे हाथी मेरा साथी मिल गया, मोर के साथ, मोर हाथी मेरा साथी। और यहाँ पे मुझे भालू भी दिख गया है भाई, क्या मज्जा से सोया हुआ है भाई, ये पूरा मज्जा से सोया हुआ है, ना पता उठेगा कि नहीं उठेगा। मैं तगड़ा लग रहा है ये, इधर देख ले भाई, इधर देख ले, पंख फैला दे एक बार पूरा, फैला दिया तो बारिश ही हो जाएगा, नहीं फैला भाई। उल्टा घुमा दिया ये भाई, एक साइड घूम जा घूम जा घूम जा, और ये वाह भाई दिख गया जो देखना था मुझे, ब्यूटी ऑफ नेचर। तुम भी फैला दे भाई, फैला दे फैला दे फैला दे, अरे गजब, इस साइड एक बार दिख जा, इधर हाँ इधर 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 मेरी साइड भाई, दोनों फैला चुका है, ये भी मेरे साइड आ रहा आ रहा आ रहा, और ये आ गया, इधर देख इधर देख इधर, वाह वहाँ पे सेल्फी जोन बनाया गया, आप बटरफ्लाई वाले पोजिंग में आप यहाँ पे फोटो शूट कर सकते हैं, और यहाँ पे सरदार वाला भी दिया गया, इसे भी आप प्राइम आर्ट सकते हैं, अंदर अपना सर दिखाइएगा, बाहर से आपका फोटो जिसमें आएगा, जहाँ भी जाएगा वहाँ पे ऐसा स्टॉल दिखेगा जहाँ पे आप फोटो शूट अपना करा सकते हैं, ये सब आपको फोटोज निकाल कर देंगे, और अच्छे अच्छे पोजिंग में रखे हुए हैं अपने स्टैचू, उससे आपको फोटो क्लिक कराएंगे, तो जस्ट यहाँ पे